नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हमारा कई एसोसिएशंस है, ग्रुप बी एसोसिएशन है, ग्रुप सी एसोसिएशन है, ग्रुप बी गजेटेड एसोसिएशन है, आईआरएस एसोसिएशन है। बाकी सारी एसोसिएशन जो थी अभी तक अलग अलग थी। हम लोग अलग अलग जाते थे, जब मतलब हमको बोर्ड में बुलाया जाता था, एक मतलब ग्रुप सी एसोसिएशन को बुला लो, ये मीटिंग कर लेते हैं, ग्रुप बी एसोसिएशन को बुला लो, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बट पहली बार अभी हमारे जब मनमोहन साहब जो है सुप्रीम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बने, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना सारी एसोसिएशन को असेंबल किया जाए। तो हमारे जो ऑल इंडिया के ग्रुप सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है विजय गायकवाड़ जी, इन लोगों ने मिलके काफ़ी मतलब प्रयास किया, तो करीबन अभी 11-12 एसोसिएशन जो हैं हम सब एक साथ में हो गए हैं COC के बैनर के नीचे, और हम सब एक कॉल पे जो है यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ इस प्रोटेस्ट की वजह यह है कि आज तक हमारे बोर्ड ने कभी भी हमारी जो परेशानियाँ हैं सारे कैडर की, इंक्लूडिंग हवलदार टू सुप्रिंटेंडेंट, उसको आज तक इन्होंने कभी भी कंसीडर किया नहीं है। तो उसके लिए क्या हो रहा था कि 1x1 करके वो सबको बुलाते थे। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ CBC फर्स्ट टाइम ये COC का गठन हुआ है। हमारी डिमांड क्या है कि भाई एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक वाइज जैसा इनकम टैक्स में है। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन वो अलग अलग ना होके एक ही COC में जो मर्ज हो रहा है, तो उससे क्या है एक स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी हमारे एसोसिएशन में। और हमारी जो सबकी डिमांड है वो सब सेम ही डिमांड है। तो टोटल 16 डिमांड्स हम लोगों ने इसमें प्रिस्क्राइब की हैं, वो लेटर मैं आपको दे रहा हूँ, उस 16 में है। अभी जैसे क्या है कि आदमी भर्ती होता है, आज भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद में 35 साल नौकरी करता है, एक प्रमोशन उसे मिलता है, उसके बाद में वो रिटायर होकर चला जाता है। ये रही इंस्पेक्टर कैडर की बात। दूसरा हमारा जो क्लर्क है, तीसरा जो हवलदार है, जिस दिन भर्ती होगा रिटायरमेंट तक वो हवलदार ही रहता है। क्लर्क है, क्लर्क आएगा, ठीक है, उसको TA बना दिया, और अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें 10 साल के बाद में पहला प्रमोशन है। तो 10 साल के बाद आदमी 10 साल तक एक ही काम करता रहेगा तो क्या हालत होगा। तो वही बोला है कि जो न्यू जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो आपने बनाई है उसको आप चेंज करो, 3-3 साल में, 4-4 साल में आप अगर प्रमोशन दोगे तो उससे क्या होगा, डिपार्टमेंट का भी भला होगा और इंडिविजुअल को ही काम करने में एक सहूलियत होगी। तो हम लोगों की मेन डिमांड है कि भाई कम से कम 5 प्रमोशन तो इंडिविजुअल को मिलने चाहिए ड्यूरिंग दिस स्पैन ऑफ 25-30 ईयर्स, मिनिमम 5 प्रमोशन शुड बी गिवन। बट यहाँ पर क्या होता है, एक प्रमोशन दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो ये यहाँ की हिस्ट्री है। तो यही रीज़न था कि हम लोग सारे असेंबल हुए। ये लेटर हम लोगों ने अपनी चेयरपर्सन को दिया है 26 तारीख को, उसके बावजूद उन्होंने कोई कॉल नहीं दिया हमारे COC के जॉइंट कन्वेंशन को, तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसका मेन रीज़न ये है। इसके बाद में वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द कॉल गिवन बाय अवर जॉइंट कन्वेनर, क्योंकि अभी पहले मैं आपको बताना भूल गया कि मेन अभी क्या है कि एक NR परमार इशू है हमारे यहाँ पर। NR परमार इशू क्या बोलता है कि जिस दिन से वैकेंसी निकलती है उस दिन से ही आपको आपकी जो सर्विस है वो काउंट होनी चाहिए। तो वो आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बावजूद भी हमारा बोर्ड उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। उसके अगेंस्ट में दिल्ली कैट में, चेन्नई कैट में, कोलकाता कैट में जनता चली गई है, बट सुप्रीम कोर्ट को भी, हमारा बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे बोर्ड के पास में टाइम नहीं है, ठीक है। और दूसरा कुछ जो वैकेंसी क्रिएट की थी 2014 में, 2112 जो सुप्रीम टू AC बनाए थे, तो हमारी डिमांड है कि भाई 2112 जो हमारे AC हैं उन सबको पहले रेगुलराइज करो, प्रमोट करो। तो वो आज तक इन्होंने प्रमोट किया नहीं है। तो मेन हमारा यही, जब तक वो रेगुलराइज नहीं होंगे तब तक नीचे से प्रमोशन कैसे होगा। ऐसे कितने लोगों की तकलीफ है, अंदाज के मुताबिक अभी मैं बताऊँ, अभी जैसे हम लोग 60 या 65 हज़ार में से 60 हज़ार तो हम लोग इंस्पेक्टर सुप्रिंटेंडेंट हवलदार ये जो है हार्डली ये लोग 5 या 6 हज़ार है, जो IRS कैडर है हमारा 5 हज़ार है, बाकी के जो 60 हज़ार जनता है सब सफरर है, प्यून से लेके सुप्रीम एंड प्रमोटी AC तक
सारे के सारे सफर हैं। जब से बोर्ड बनाए तब से ये वो बोर्ड ने कभी भी नीचे वालों की तरफ देखा नहीं है। दे आर प्रो आई आर एस, दैट्स ऑल।